जयराम जी, जी एक जो बड़ी समस्या है वो ये भी है कि हर जगह प्रवासी मजदूर या आपके हिमाचल प्रदेश के बहुत लोग घूमने गए हुए थे जो दूसरे राज्यों में फंस गए हैं, अब उनके लिए क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? जी, इसमें सिर्फ मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि एक तो हिमाचल प्रदेश में जितने लोग जो बाहर से आए हैं उनमें से अधिकांश लोग चले गए हैं वापिस, उनकी जाने की व्यवस्था धीरे 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 हमने की, और उसके साथ साथ में जो लोग दूसरे प्रदेशों में हमारे हिमाचल के लोग फंसे थे उनके बारे में भी हमने इस बात को लेकर के प्रयास किया कि वो भी हिमाचल प्रदेश में आए, लेकिन ऐसे नहीं जैसे दूसरे प्रदेशों में न आने का पता लगा न जाने का पता लगा कितने आए। एक एक आदमी हमने गिन करके जो हिमाचल की बाउंड्री में आया उनको कहाँ जाना है, उनको क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है, मेडिकल चेकअप तो किया ही किया लेकिन उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया, और होम क्वारंटाइन के लिए उसके लिए अलग से हमने नोटिफिकेशन की, उसमें पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे जो नगर परिषद नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि उनकी भी जिम्मेवारी फिक्स की, अगर कोई कोताही करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और जो क्वारंटीन किए हुए हैं होम क्वारंटीन किए हैं जो बाहर से आए लोग हैं अगर वो भी कोताही करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे कुछ सख्त निर्णय हमने हिमाचल प्रदेश में किए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश पास कोई आंकड़ा मौजूद है कि आपके हिमाचल प्रदेश के कितने लोग हैं संख्या में जो बाहर मौजूद है, बाहर के राज्यों में मौजूद है, क्या इस तरीके का कोई आंकड़ा है आपके पास? लगभग जो हिमाचल प्रदेश के जिन लोगों को हिमाचल आने की अभी इच्छा है और हिमाचल में आना चाहते हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं लेकिन बाहर हैं, वो संख्या लगभग 2 लाख से ऊपर है, 2 और 2.25 लाख जो लोग ऐसे लोग हैं, और उसमें मैं समझता हूं कि काफी बड़ी संख्या में लोग आपके लिए नहीं है कि जब आप उनको वापस लेके आएंगे, पंजाब का उदाहरण सामने है, श्रद्धालु 3,500 लेकर आए और 200 से ज्यादा अभी तक केस पॉजिटिव आ चुके हैं, तो क्या ये कहीं आपकी सरकार के लिए चुनौती और चिंता है कि जब हिमाचल प्रदेश के लोगों को बाहर के राज्यों से अब आप लेकर आएंगे तो ये संक्रमण फैल सकता है, उसके लिए क्या तैयारी की आपने? ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है क्योंकि अब पूरे देश भर में संक्रमण बढ़ा है और खास तौर से जो लोग हिमाचल प्रदेश में भी जब आना चाहते हैं वो भी ऐसे प्रदेशों से ऐसे स्थानों से हैं जहां कोरोना वायरस के बहुत सारे मामले निकले हैं, तो इसलिए हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, थोड़े थोड़े लोगों को जो आ रहे हैं उनका प्रॉपर चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको कहूं, कोटा से हमने बच्चे लाए हमने क्योंकि उनके बहुत डिस्ट्रेस्ड कॉल्स आ रही थी, हमको लगा कि उनके बच्चों को लाना चाहिए, लाया, लेकिन 2 दिन उनको क्वारंटीन में रखा, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखा, उनका कोविड का टेस्ट करवाने के बाद जब टेस्ट नेगेटिव आया उसके बाद उनको घर भेजा और घर में भी होम क्वारंटाइन में भेजा है। ऐसे में जो जितने भी लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके भी हम इसी प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वारंटीन में, और लेकिन उसके बावजूद टेस्ट लाजमी है, सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी है, उसका पालन करना लाजमी है, ये हमने बहुत सख्ती की है और सख्ती की वजह से ही हिमाचल बचा है। अगर हमने खुली छूट दी होती तो मुझे लगता है ऐसा दिक्कत होती। जयराम जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि फल और सब्जी के बहुत बड़े उत्पादक प्रदेश के रूप में आप जाने जाते हैं, अब हरियाणा ने अपने बॉर्डर सील कर दिए, तो कैसे आपके सब्जी और फल उस सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? किसानों का तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर उनके खेत में ही उनकी फसल सड़ गई तो। लेकिन उसके बावजूद भी उनने मोटे तौर पर जो सील किया है उनने किया है जो लोगों का आना जाना, खासतौर से जो इस प्रकार की सब्जियां लेकर के जाने वाली गाड़ियां, राशन लेकर के जाने वाली गाड़ियां जो एसेंशियल कॉमोडिटीज, उनको बंद करने की बात अभी तक नहीं हुई क्योंकि मेरी बात भी उनसे वहां के मुख्यमंत्री से हुई, और ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि सब्जियों को मार्केट में पहुंचाने के लिए ठीक है। दिल्ली में कुछ घटनाएं घटित हुई आजादपुर मार्केट की जिसके कारण हम थोड़ा चिंतित है, वहां कुछ मामले कुछ ज्यादा निकले हैं तो वो एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी सब्जियां, हमारा हमारी जितनी भी सप्लाई है वो ठीक प्रकार से जो है वो मार्केट तक पहुंचे ताकि किसानों को, बागवानों को सही कीमत। आखिरी और छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है आपके राज्य की वो टूरिज्म बेस्ड है और लॉकडाउन खुलेगा भी तो आपको पता है कि वो स्टेजेस में खोला जाएगा, आप अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?
हमने इस बात के लिए निवेदन किया है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना वायरस के मामले बहुत ज्यादा नहीं, 7 दिनों से कोई मामला नहीं आया और आज हमारे पास सिर्फ 7 केस हॉस्पिटल में एडमिट हैं जो आइसोलेशन में है और मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद वो भी उनमें से भी कम हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में बिजनेस एक्टिविटीज हम शुरू कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की है, लेकिन हम बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करें, हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर सील रहे और उसमें हिमाचल के अंदर हम जो है बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर सके ताकि हमारे लोगों को राहत मिल सके, इस बात को हम सुनिश्चित करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हमारी शुभकामनाएं कि आप अपने प्रयासों में सफल हों और प्रदेश के राज्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा।